आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आरिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा मैं क्या करूँ। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया। इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना कपड़ा लत्ता मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010032429 बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARBO SHRIMA ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 02120010117727 IFSC कोड PUNB 002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता M.K. जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। हम जानवरों की तरह जी रहे होते, उनने हमें सट कलाएं सिखाई हैं और कहते हैं जब पांडव कहने लगे तुम्हें चलना पड़ेगा, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो वो कहने लगे तुम हमारे गांव में घूम कर आओ, तुम हमारे हस्तिनापुर में घूम कर आओ कि यहाँ कैसा लगा। और उन्हें घूमने के लिए भेजते हैं और वो जब पांडव घूम के आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो अजीब अजीब बातें देखी। मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, इतना चाट रही है कि बच्चा लघु लुहान हो गया, फिर भी चाटती जा रही है। दूसरी घटना मैंने ये देखी कि बछड़ी रथ को खींच रहे हैं, अरे बैल खींचते हैं। और तीसरी घटना तो और देखी कि एक चील रत्नों को लेकर जा रहा था। चौथी घटना देखी कि बीच में हमेशा पानी रहता है, लेकिन मैंने देखा बीच से तालाब सूख गया था और उसमें कुछ मछलियां जिंदा थी, उन्हें कौए और बगुले खा रहे थे। लेकिन पांचवी बात तो बिल्कुल अजीब देखी, एक पहाड़ का भूखंड टूटा और उससे बड़े बड़े पेड़ धराशाही हो गए, बड़े बड़े भवन गिर गए, सब कुछ तहस नहस हो गया, नगर के नगर लोग मर गए, चीख रहे थे चिल्ला रहे थे, वो किसी के रोके नहीं रुक रहा था भूखंड। लेकिन एक छोटी सी कौपल पर आकर रुक गया। इसका मतलब क्या है? कृष्ण ने कहा पंचम काल के
ये सब निशानियां हैं। उन्होंने कहा मतलब कि निरपंचम काल में माँ बाप अपने बच्चे को इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उसे जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। वो अपने जीवन में कभी आत्म पुरुषार्थी नहीं बनेगा, कोई संघर्षों का सामना नहीं कर सकेगा, कभी भी पुरुषार्थशील नहीं होगा। वो बिल्कुल कायर निकम्मा दूसरों पर आश्रित होगा, क्योंकि माँ बच्चे को प्यार के नाम पर इतना आलसी मक्कार मायूस बना देगी, स्वार्थी बना देगी कि उसे अपनी फरमाइशों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और दूसरा था कि चील हीरा ले जा रहे थे, यानी कि आज के समय में दूसरे लोग जैन धर्म का पालन करेंगे। तीसरा तुमने देखा तालाब, थोड़ा थोड़ा पानी था, वैसे तो किनारे से पानी सूखता है, इसका मतलब है किसी किसी प्रदेश में जहाँ ज्यादा धर्मात्मा थे वहां अब नहीं रहेंगे, और जितने से रहेंगे उन्हें मिथ्याति लोग बगुले और कौए जीने नहीं देंगे। और कहने लगे तुमने देखा कि बैल नहीं बछड़े रथ खींच रहे थे, इसका मतलब पंचम काल में युवा बच्चे युवा व्यक्ति लोग युवा पुरुष थोड़ी सी धर्म में अग्रसर होंगे, बूढ़े लोग तो बिल्कुल अपने समय में ज्यादा धर्म ध्यान नहीं करेंगे। लेकिन जो तुमने अंतिम देखा कि भूखंड गिरा और बड़े बड़े नगरों को तबाह करता गया, लेकिन एक कौपल पर ठहर गया, उसका अर्थ ये है कि जो पापों का समूह है वो जीवन में सारी व्यवस्थाएं सारी उपाधियां सारी संपत्तियों को नष्ट करके कहते हैं आदमी को मिटा देगा, लेकिन भक्ति आराधना की छोटी सी कौपल पर वो आकर रुक जाएगा। उसके सहारे जो होगा कौपल की तरह, भले वो छोटी भक्ति करे छोटी आराधना जप उपासना करे, उसके माध्यम से भी उसके पापों के जो पहाड़ हैं जो सर्वनाश कर रहे थे वो रुक जाएंगे। आप ये मत सोचना आपने आदिनाथ की जाप की, आप आदिनाथ भगवान के साथ साथ अनंत सिद्धों की जाप कर रहे हैं। ये आपका द्रव्य पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य है, ये दोनों पावन हो रहे हैं। ये क्षेत्र जिस जगह तुम रहते हो अब जाप करके उस घर में जाओगे वो क्षेत्र पावन हो जाएगा। इतने समय तुम राग द्वेष की कथा करते थे, अब कितने समय तुम लोग जाप दे रहे हो, ये काल पावन हो गया। और जिन परिणामों से तेरी मेरी निंदा चुगली फालतू की बातें करते थे वो आप लोग को पता है, सपने में भी आजकल जाप हो रही है। लोग बताते हैं माता जी हम तो रात में भी कहते हैं, अब एक दिन भैया हमको बता रहे थे, बोले रात में कह रही थी कि अभी और 10 जाप और कर लेने दो मुझे, बोले सुबह 5 बज रहे थे मैंने कहा उठ जा, बोले 10 जाप और कर लेने दो। देखिए क्या सौभाग्य आपको कि सपनों में भी परमात्मा की याद आती है। कहते भी है तेरी याद में रो लेती हूँ, तेरी याद में रो लेती हूँ, तेरी याद में खो लेती हूँ। तुम दिन में नहीं आते भगवान, तुम सपनों में आओगे, ये सोच के सो लेती हूँ, ये सोच कर सो लेते हैं। तो वास्तव में आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि इस भाद्र मास में आप लोग 10 लक्षण आने वाले हैं। सोच कर देखना ये वही शुभ दिन थे चतुर्दशी से सावन की, आपको पता है कि वो चतुर्मास स्थापना के दिन से हमारी पंचमी आएगी, तब तक इन 49 दिनों में शुभ वर्षा हुई थी, वापिस से सृष्टि की रचना हुई थी। जितने लोग बच गए थे उन्होंने परमात्मा को परमात्मा की आराधना पूर्वक ये कहा था कि परमात्मा अब हम बचे हैं तो जीवन में अंत समय तक आपका नाम लेते लेते धर्म आराधना करते हुए जीवन की शुरुआत करेंगे। जो मिलता है उसे ही अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि जब हम पत्तलों में खाते थे
जब हम पत्तलों में खाते थे तो सबका स्वागत सम्मान करते थे और रिश्तों के लिए समय निकाला करते थे। पूरा परिवार स्वागत में तैयार हो जाता था। फिर हम पीतल में खाने लगे तो वास्तव में रिश्ता फिर भी निभाने लगे। फिर हम मिट्टी में बर्तनों में खाने लगे, मिट्टी से जुड़कर जमीन का रिश्ता निभाने लगे। और उसके बाद मिट्टी से पीतल से था तो साल छः महीना में रिश्तेदारों को बुला लिया करते थे, हंस लिया बोल लिया करते थे। अब हम कांच की प्लेटों में खाने लगे और रिश्तों को तोड़ने लगे और तोड़कर फेंकने लगे। क्योंकि वक्त आपको चाहे मिलता है, वक्त को चाहो तो सोने में गुजार दो और वक्त को चाहो तो सोने सा बना लो। वक्त को चाहो तो सोने सा बना लो। लोग कहते हैं कि भगवान हमारे पुण्य और पापों का हिसाब रखता है। मैंने कहा भगवान तो कोई मुनीम नहीं है, भगवान कोई मुनीम नहीं कि तुम्हारे खाते वही वहां बैठकर, और वो भी इतने मक्कार लोगों के, भगवान को भी धोखा दे के चले जाते हैं। भगवान से हम कहते तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। और भगवान यदि सच में देखे तो हम परिवार के लिए जल बिन मीन हो जाते हैं, व्यापार के लिए हो जाते हैं, वस्तुओं के लिए हो जाते हैं, व्यक्तियों के लिए व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो सबसे लास्ट लिस्ट में आता है। जब कहीं कोई काम नहीं बनता तब सोचते चलो यहाँ भी अर्जी लगा लो। जब जवानी में एक उम्र होती है, नौकरी मिलती है, शादी होती है, परिवार बसता है, रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन जब सब सगे से टूट कर आता है तो कहते हैं परमात्मा का हो गया, परमात्मा ऐसा नहीं होता। बुद्ध ने बहुत सुंदर बात कही है और हमारे कुंद कुंद स्वामी ने रेण सार में कही है, सम्मा दिट्टि कालम बोलई वीर अज्ञान भावेणे मिच्छा इट्टि मांचा दुब्बा वाले से गले गे। अब आप देख लेना कि आप मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो। आपके पास अपने आप आपके पास थर्मामीटर है, क्योंकि यदि आप बोलते हैं, यदि आपका समय निकलता है किसमें, ज्ञान में, वैराग्य में, समता भावों में निकलता है और संयम साधना में निकलता है, प्रेम और वात्सल्य में निकलता है। क्योंकि फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील अश्लील बातें ही अब पुराण हो गए। सच पूछो तो देव सास गुरुओं के पास नई पीढ़ियों का मन नहीं लगता, उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए, उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। हम रोज सामायिक पाठ में पढ़ लेते हैं कि काल अनादि से मैं ब्रह्मा, भगवान जन्म मरण बहुत सुख सगे हैं और कोटि कोटि भवों के पुण्य के बाद हमें आपके चरण सानिध्य मिले। लेकिन क्या कर रहे हो? लोग हमसे बोलते हैं माता जी हम क्या करें कि भगवान खुश हो जाए, हम क्या करें? हमने कहा 18 दोषों से रहे थे, वो तुम्हारी प्रशंसा से खुश नहीं होते और तुम्हारी निंदा से नाराज भी नहीं होते, वो तुम्हें पुण्य भी नहीं देते, वो तुम्हें पाप भी नहीं देते। लेकिन इतना समझ लेना यदि अपने समय का सदुपयोग किया है तो तुम्हारा समय पुण्य में है, यदि समय का दुरुपयोग किया है तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम पापी हो, तुम कहते हैं अधर्मात्मा हो। क्योंकि किस चीज में गया मिच्छा इट्टी बांछा दुब्बा वाली सिकले ही। यदि बांछा है मुझे ये और मिल जाए, ध्यान रखना कुछ भी मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कोई परिवार मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए संसार में, कभी पूरा नहीं होता।
कोई कहानियां यहाँ पूरी नहीं होती हैं। एक सम्राट ने कहा, रामायण लोग बड़े प्यार से पढ़ते हैं, मेरी भी रामायण लिखो। हम लोग सोचने लगे, अरे राम रावण थे तो उनकी रामायण थी, अब इनकी क्या रामायण लिखी जाए। और राजा तो राजा होते हैं, सिर फिर होते, कहने लगे लिखना पड़ेगा और नहीं तो सारे कवियों को फांसी पे चढ़वा दूंगा। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार बिहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 211000 रुपए। माताजी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBOSHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212001011772777, IFSC कोड PUNB 002120। नोट, आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नव जैन।